नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है। आप आंसू गैस जानते होंगे, दुनिया की सरकारें खुले हाथ से इसका इस्तेमाल करती हैं। टियर गैस एक तरह का केमिकल होता है। इस गैस के संपर्क में आकर इंसान की आंख जलने लगती है, आंसू भर जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ देर तक कुछ नहीं सूझता। और आंसू गैस के इसी स्वभाव के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। आज भले ही ये गैस नागरिकों पर इस्तेमाल होती हो, लेकिन एक ज़माने में ये युद्ध का हथियार थी। जंग के मैदान में इसे पहली दफ़ा फ्रांस ने इस्तेमाल किया था अगस्त 1914 में जर्मन सेना के खिलाफ। पहली दफ़ा कोई रासायनिक गैस यूज़ की गई जंग के मैदान में। ये मारक नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, कुछ देर के लिए दुश्मन सेना में भगदड़ मचती। लेकिन दुनिया को यह समझ में आ गया कि इससे रासायनिक हथियारों के लिए रास्ता खुल गया है। कई केमिकल हथियार इस्तेमाल हुए थे पहले वर्ल्ड वॉर में, क्लोरीन गैस, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस। ऐसे में जब जंग खत्म हुई तो दुनिया ने समझा कि ये जहरीली गैसें, इनका इस्तेमाल सबके लिए खतरा है। और यही सोचकर साल 1925 में हुआ जिनेवा प्रोटोकॉल, जिसमें जहरीली गैसों को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाई गई। तो क्या केमिकल हथियार बनने बंद हो गए? नहीं, इस प्रोटोकॉल के कुछ ही बरस बाद एक बेहद खतरनाक केमिकल हथियार की खोज हुई। वो केमिकल हथियार जिसकी एक किस्म आज के दिन सुर्खी में है। ये सुर्खी जुड़ी है रूस के विपक्षी नेता अलेक्जी नवलनी से। कुछ दिनों पहले नवलनी की तबीयत बिगड़ी थी, इलाज के लिए उन्हें जर्मनी ले जाया गया था और जर्मन डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें जहर दिया गया है। हमने दुनियादारी में आपको बताया था। ये कौन सा जहर था, आर्सेनिक या फिर साइनाइड? दोनों ही नहीं। ये जहर इतना खतरनाक था कि जर्मन डॉक्टरों ने घबराकर अपने देश के आर्मी एक्सपर्ट्स को बुलाया। इन एक्सपर्ट्स ने 2 सितंबर को अपनी रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक नवलनी को मिलिट्री ग्रेड का एक नर्व एजेंट दिया गया, एक खास तरह का नर्व एजेंट जिसका नाम है नोविचोक। रशियन भाषा में नोविचोक का मतलब होता है न्यू गाय। आप सोचिए, तड़पा कर मारने वाले एक जहरीले रसायन का नाम नया आदमी। ये पहली बार नहीं जब रूस पर अपने किसी दुश्मन को नोविचोक देने का इल्ज़ाम लगा हो। इससे पहले मार्च 2018 में नोविचोक का इस्तेमाल हुआ था। उस समय इसका निशाना बने थे रूस के पूर्व जासूस सेर्गी स्क्रिप्ल और उनकी बेटी यूलिया। ब्रिटेन में हुए इस केमिकल वॉर में रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि GRU के 3 अफसर शामिल थे। इस हमले से पहले वैज्ञानिकों, जासूसों और रासायनिक हथियार विशेषज्ञों के अलावा बहुत कम लोगों ने नर्वेजेंट नोविचोक का नाम सुना था। अब नवलनी पर इसके इस्तेमाल की पुष्टि होने के बाद नोविचोक एक बार फिर सुर्खियों में है। आपने खबर जान ली, अब थोड़ा नोविचोक के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमने आपको बताया कि ये नर्व एजेंट की फैमिली का सदस्य है। नर्व एजेंट को समझिए, बेहद जहरीले रसायनों का एक समूह। नर्व एजेंट के ये टॉक्सिक केमिकल कहलाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये केमिकल इंसान के शरीर में घुसकर उसके तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स को तबाह कर देते हैं। ये शरीर में कैसे काम करते हैं, इसको हम आपको नोविचोक का असर बताते हुए एक्सप्लेन करते हैं। नर्व एजेंट की तकरीबन 20 किस्में दुनिया को पता हैं। इसमें सबसे जहरीले हैं VX और सरीन। सरीन का इस्तेमाल कई कुख्यात हमलों में हो चुका है, जैसे ईरान के साथ युद्ध में सद्दाम हुसैन ने किया था। इसके अलावा 2013 और 17 में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद ने भी अपने ही नागरिकों पर इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन VX और सरीन से भी ज़्यादा घातक है नोविचोक। नोविचोक का जब हमने जिक्र किया तो आपसे कहा कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है। इस जहरीले परिवार का ये सबसे सीनियर मेंबर है नोविचोक। एक बारीक पाउडर की शक्ल में आता है ये केमिकल। इस पाउडर से लिक्विड और गैस दोनों तैयार किए जा सकते हैं। किसी भी चीज़ में मिलाकर खिलाया जा सकता है, हवा में छिड़का जा सकता है, इसे सांस के रास्ते शरीर के अंदर दाखिल कराया जा सकता है, त्वचा के सहारे भी। मतलब खाल पर रगड़ दो, जहर भीतर चला गया, हवा में उल्ला दिया, उछाल दिया, सांस ली किसी ने, भीतर दाखिल हो गया। भीतर दाखिल होकर शरीर में जाकर नोविचोक क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे शरीर का डाकिया। इसी के सहारे शरीर के अलग अलग हिस्से दिमाग तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दिमाग अपनी बात पहुंचाता है। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे शरीर का तंत्रिका तंत्र दुरुस्त ढंग से काम कर रहा है। ये तंत्रिका तंत्र ही है जो चीज़ों को पढ़ पाता है, उनको समझ पाता है कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है, और फिर शरीर की इंद्रियों को ये कह पाता है कि यूं हाथ घुमा के इस जबान से, इस मुंह से कुछ बोला जाए। ब्रेन बाकी शरीर से बातचीत के लिए तंत्रिका तंत्र का इस्तेमाल करता है, ये आपने समझ लिया। लेकिन इस सिस्टम में एक और फैक्टर है जिसको आपको समझना चाहिए। ये कहलाता है कोलिनेस्टरेस। ये एक एंजाइम होता है
अगर हम तंत्रिका तंत्र को शरीर का डाक का सिस्टम बना लें, पोस्टल सिस्टम बना लें, मान लें, तो इस सिस्टम को रेगुलेट करने वाला पोस्टमास्टर है ये एंजाइम कॉलिनेस्टरेस। इसी की मदद से हमारा नर्वस सिस्टम बाकी अंगों तक सिग्नल ट्रांसमिट कर पाता है। इसी कॉलिनेस्टरेस का काम ब्लॉक करता है नोविचोक। नोविचोक भीतर जाता है, ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है और पूरा कम्युनिकेशन ध्वस्त हो जाता है। जब कॉलिनेस्टरेस अपना काम नहीं कर पाता तो क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, फेफड़ों में लिक्विड भरने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, बेहोशी होने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इंसान की सांस की नली में पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा हुआ तो दिल और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नोविचोक की सबसे खास बात यह है कि ये पकड़ में नहीं आता, डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए इसकी वजह से मरे हुए इंसान की जांच हो तो अक्सर लगता है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। क्या नोविचोक अटैक के इलाज का कोई तरीका नहीं? एक तरीका है, एक एट्रोपाइन नाम की दवा है, समय रहते अगर ये मरीज को दे दी जाए और फिर उसका सही इलाज किया जाए तो वो बच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार इलाज मिल जाने पर खतरा टल गया, इस केमिकल के एक्सपोज होने के सालों बाद तक इंसान पर बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। ऐसा है नोविचोक का असर। और नोविचोक का जब जिक्र आता है तो बात होती है रूस के दुनिया पर असर की। क्यों उंगली उठती है रूस पर? थोड़ी हिस्ट्री समझिए, समझ में आ जाएगा। कोल्ड वॉर के दौर में हथियारों की खूब होड़ थी। इसमें शामिल देश बस न्यूक्लियर हथियार ही नहीं बना रहे थे, केमिकल हथियार भी बना रहे थे उस जिनेवा के पैक्ट के बावजूद। पर्दे के पीछे खेल हो रहा था। अमरीका पर इल्ज़ाम लगा कि वियतनाम युद्ध के दौरान उसने इसका इस्तेमाल किया। ईरान पर इस्तेमाल करने के लिए सद्दाम को केमिकल वेपन दिए, ये भी इल्ज़ाम लग गया। सोवियत संघ पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। हथियारों से जुड़े कई तरह के समझौते भी हुए, इनमें से एक था 1993 में हुआ केमिकल वेपन कन्वेंशन। इसमें 20 तरह के नर्व एजेंट्स की लिस्ट बनी। 1997 में जब इस कन्वेंशन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून बना तो बाकी केमिकल हथियारों के साथ इन 20 नर्व एजेंट्स के इस्तेमाल पर बैन लग गया। लेकिन नोविचोक इस बैन से बच गया, इसलिए कि नर्व एजेंट्स की उस लिस्ट में इसका नाम नहीं था। और नाम क्यों नहीं था? क्योंकि रूस ने कभी इसके होने की बात मानी ही नहीं। अब जो चीज़ है ही नहीं उस पर आप बैन कैसे लगाएंगे? रूस ने भले नोविचोक को डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन दुनिया को इस केमिकल की भनक थी। इस जानकारी का जरिया बने खुद रूस के वैज्ञानिक। इनमें से पहला नाम था आंद्रेई ज़ेलिज़न्याकोव का। आंद्रेई डेवलप करने वाली टीम का हिस्सा थे नोविचोक को। इसी केमिकल पर प्रयोग के दौरान 1987 में लैब के भीतर एक हादसा भी हुआ था। इस एक्सीडेंट के दौरान आंद्रेई नोविचोक के सीधे संपर्क में आ गए थे। किसी तरह से उनकी जान बची, लेकिन कई अंग खराब हो गए। बहुत कोशिश के बाद भी आंद्रेई ठीक नहीं हो सके। 1992 में उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले आंद्रेई एक बड़ा काम कर गए। मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक अखबार को नोविचोक की कहानी सुना दी। बाद के वर्षों में सोवियत के कई केमिकल वेपन प्रोग्राम में काम करने वाले वैज्ञानिक अमरीका जाकर बसे और इनमें से कई ने नोविचोक का नाम लिया। लेकिन रूस तब भी इस केमिकल हथियार के अस्तित्व को नकारता रहा। नोविचोक के इस्तेमाल का पहला ज्ञात केस रूस से ही सामने आया। ये 1995 की बात है। उस साल एक रूसी कारोबारी और उसके सेक्रेटरी पर इस केमिकल का इस्तेमाल हुआ। इस घटना के बाद 2018 में आकर सेर्गी स्क्रिपल केस में इसका नाम दोबारा दुनिया ने सुना। इस केस में एक परफ्यूम बोतल के अंदर भरकर इसे इस्तेमाल किया गया था। सेर्गी और उनकी बेटी हमले में बच गए, लेकिन हमलावरों की फेंकी वो परफ्यूम की बोतल एक आदमी को मिली। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को परफ्यूम समझकर वो बोतल दे दी। लड़की ने अच्छी खासी मात्रा में उसे शरीर पर छिड़का और मर गई। आपको एक ट्रिविया और बताऊं, जर्मनी से हमें पता चला कि एलेक्से नवलनी, यानी वो विपक्षी दल के नेता जिन पर ये हमला हुआ और हम सारी बात कर रहे हैं, उन पर नोवोचिक इस्तेमाल हुआ। नोवोचिक नर्व एजेंट है। नर्व एजेंट की खोज कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जी, जो जर्मनी अभी नोवोचिक के हमले के बारे में बता रहा है वहीं पर। इस खोज का ताल्लुक था मकई से। उन दिनों जर्मनी में लोग मक्के की फसल में लगने वाले कीड़ों से परेशान थे। इनसे निपटने के लिए अच्छा कीटनाशक खोजा जा रहा था। 1936 में यही कीटनाशक बनाने की कोशिश कर रहे जर्मन रसायन शास्त्री गेरार्ड श्राडेर ने नर्व एजेंट की खोज की। इस पहले नर्व एजेंट का नाम था ताबुन। जर्मन भाषा में ताबुन का मतलब होता है टैबू, मतलब कोई निषिद्ध काम। ये बहुत जहरीला रसायन था। खेती में इस्तेमाल होता तो लोग मरते। ऐसे में गेरार्ड श्राडेर कोई रसायन खोजने लगे। पता नहीं संयोग था कि एक बरस बाद कीटनाशक बना रहे उनके हाथों ने एक और नर्व एजेंट बना दिया, और ये ताबुन से भी ज़्यादा जहरीला था। इस केमिकल का नाम था सरीन, जिसने आगे चलकर हजारों बेगुनाहों की जान ली। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ 28 बरस की एक प्रेग्नेंट महिला जोली को अरेस्ट किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन के विरोध में एक फेसबुक पोस्ट लिखी। ली विक्टोरिया की रहने वाली हैं, वहाँ जुलाई से लॉकडाउन लगा है। फेसबुक पोस्ट के कारण हुई ली की गिरफ्तारी का ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरोध हो रहा है। प्रशासन ली के अरेस्ट किए जाने को सही बता रहा है, कह रहा है कि उन्होंने संवेदनशील समय में लॉकडाउन के विरोध को शह देकर गलत किया। दूसरी सुर्खी जापान से है। यहाँ एक तूफान आया था। इस तूफान के समय गल्फ लाइव स्टॉक वन नाम का एक जहाज ईस्ट चाइना सी से होते हुए चीन जा रहा था। जहाज पर 43 क्रू मेंबर समेत करीब 6000 जानवर थे। ये जहाज तूफान में फंसकर लापता हो गया था। अब जापान के कोस्ट गार्ड ने समुद्र में बह रहे एक आदमी को बचाया। इसका नाम है एडुआर्डो सरेनो। एडुआर्डो उसी लापता जहाज के चीफ ऑफिसर थे। उन्होंने बताया कि तूफान में फंस कर जहाज डूब गया, उस पर सवार मवेशी और बाकी लोग भी डूब गए। क्या आपको ये लाइफ ऑफ पाई का एक नया संस्करण साउंड कर रहा है? तीसरी सुर्खी जमैका से है। यहाँ प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस। उन्होंने कोरोना से निपटने में काफ़ी चुस्ती दिखाई थी, इसे लेकर जनता के बीच उनकी तारीफ हुई थी। इस पॉजिटिव माहौल को देखते हुए प्रधानमंत्री ने समय से पहले चुनाव करवाए जाने की मांग की। इस ऐलान के बाद कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील भी दी गई और फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे। बढ़ते संक्रमण के बावजूद 3 सितंबर को जमैका में चुनाव हुए। आलोचकों का कहना है कि होलनेस को स्थितियां बिगड़ने पर राजनीतिक नुकसान की आशंका थी, इसलिए झटपट चुनाव करवा लिए। ये थी सुर्खियां बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 3 सितंबर और ये तारीख गवाह है 52 घंटे तक चली एक हाईजैकिंग के खूनी खात्मे की। इस जद्दोजहद में एक तरफ थी एक अड़ियल सरकार, दूसरी तरफ थी स्कूली बच्चों की लाशों में आज़ादी ढूंढते कट्टरपंथी लड़ाके। रूस के कैलेंडर में 1 सितंबर की तारीख कहलाती है फर्स्ट बेल, यानी ज्ञान का दिन। गर्मी की छुट्टी के बाद इसी रोज़ वहाँ नए स्कूली सत्र की शुरुआत होती है। 16 बरस पहले यानी 2004 के 1 सितंबर की बात है। रूस के पश्चिमी हिस्से में बेस्लान नाम का शहर है। यहाँ पर है मिडिल स्कूल नंबर 1। ये संख्या इसलिए कि रूस में ज़्यादातर स्कूलों के नाम नंबर की शक्ल में होते हैं। उस रोज़ बेस्लान मिडिल स्कूल नंबर 1 में फर्स्ट बेल की रौनक थी। इस रोज़ दिन भर खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रम होने थे, लेकिन उस दिन कुछ भी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुआ। प्रार्थना के समय हथियारों से लैस कई दर्जन आतंकवादी स्कूल कैंपस में घुसे। कौन थे ये लोग? ये हमलावर चेचन्या के रियादुस सलीहीन आतंकवादी संगठन का हिस्सा थे, जिनका सरगना था शामिल बसाइयेव। इन आतंकवादियों ने स्कूल में मौजूद करीब 1200 लोगों को बंधक बनाया। 52 घंटे तक आतंक का ये खौफनाक चैप्टर चला। सभी बंधकों को स्कूल के जिम में ठूसा गया था, न खाना, न पानी, न पेशाब करने की इजाज़त। भयंकर स्थिति। इसके बाद रूस की सरकार और आतंकवादियों के बीच बंधकों को लेकर बातचीत शुरू हुई। आतंकवादी चाहते थे कि रूस चेचन्या से अपनी सेना हटाए। रूस की मांग मानने को राजी नहीं था। 3 दिन तक यही चलता रहा। आतंकवादियों ने प्रेशर बढ़ाने के लिए 20 बंधक भी मारे, लेकिन तब भी बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। फिर आई 3 सितंबर 2004 की तारीख। सरकार ने कहा कि मारे गए बंधकों की लाश दे दो। काफ़ी आनाकानी के बाद आतंकवादी इसके लिए राजी हुए। दोपहर के 1 बजे होंगे जब बंधकों की लाश लेने पहुंचे इमरजेंसी वर्कर्स ने स्कूल में पांव रखा और इसी वक्त स्कूल के भीतर एक जोर का धमाका हुआ। धमाके के चलते आपाधापी हुई, बंधक भागने लगे। इन्हें रोकने के लिए हमलावरों ने फायरिंग शुरू की और ये सब देखकर स्कूल के बाहर जमा बंधकों के रिश्तेदार भी अंदर घुस गए। उनके पीछे स्पेशल फोर्सेज के लोग आ गए। शूट आउट होने लगा, कई बम फूटे। कौन किसकी गोली से मरा कोई नहीं जानता। 3 सितंबर की शाम को जब ये हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हुआ तो पता चला 333 बंधक मारे गए। इनमें 186 बच्चे थे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 रोज पहले पहली बार स्कूल में पांव रखा था। क्राइसिस के खूनी अंत के बाद पुतिन सरकार से सबने एक ही सवाल किया कि क्या बेगुनाहों की जान लिए बिना ये संकट खत्म नहीं किया जा सकता था? क्या उनकी सरकार बंधकों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो सकती थी? आखिरी में इस तारीख के प्रकरण के बाद हम यही कहेंगे कि आतंकवाद किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। जो लोग गोली के सहारे अमन चैन की बात करते हैं वो धोखा देते हैं। प्रतिरोध के कई तरीके हैं, लोकतांत्रिक तरीके हैं। अब बात करते हैं दुनियादारी के आखिरी सेक्शन की। ये इतना मार्मिक था कि खो जाता है आदमी। विश्व कविता सेक्शन, इसमें आज सुनिए फ्रेंच कवि गयोम अपोलिनेर की कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। इस कविता का शीर्षक है आज बहुत लंबा था दिन। इसे आवाज़ दी है मेरी साथी प्रेरणा ने। आप कविता सुनिए, आराम करिए, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। दुनियादारी देखते रहिए और दोस्तों को, यारों को, परिवार वालों को इस कार्यक्रम के बारे में बताते रहिए। ये नहीं कि खुद देख लिया और उसके बाद अपना मोबाइल धर के बैठ गए। इसको शेयर नहीं करेंगे तो ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आज बहुत लंबा था दिन, आखिर बीत गया।
कल फिर उभरेगा वैसे ही, पहाड़ पर डूबेगा ऐसे ही। जाएंगे जादू के किले में हम, लौटेंगे थकान से भरकर। दिन फिर रीतेगा जैसे आज रीत गया, आखिर दिन बीत गया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।